हेलो स्टूडेंट्स, मैं कांता मंगवानी। आज क्लास 8 का सोशल साइंस स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट। और स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और वो जो बेल आइकन होती है उसको भी आप प्रेस कर देना। और ये फर्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। ये फुल चैप्टर का वीडियो है और होप इस बार का सोशल साइंस आप मेरे से पढ़ के बहुत इन्जॉय करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका जब कवर पेज खोलेंगे ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का ये बुक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंडेक्स है, 1 to 9 चैप्टर्स हैं टोटल। और आज हम ये फर्स्ट चैप्टर करेंगे, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। आगे बढ़ते हैं। नाउ चैप्टर 1, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियन भारत में कैसे आए वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वी हैव लर्नड इन मैनी प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट मैनी ईयर्स अगो अवर कंट्री वॉज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। हम जब पुराने बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं कहीं पे, तो हमारा देश जो था, भारत देश जो था, वो एक सोने की चिड़िया कहलाता था और सबसे बड़ा लीडिंग कंट्री था हमारा देश, भारत देश। अवर कंट्री वॉज डिस्टिंक्ट इन होल वर्ल्ड। हमारा जो भारत देश था एक अलग तरह का उभर के आया हुआ था, बहुत महान देश था और अलग उभर के आया था और अच्छी एक अलग पहचान थी अभी हमारे देश की। द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज वर बींग इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर कल्चर एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत सारी कंट्रीज जो थी वो हमारे भारत देश के कल्चर, जो यहाँ का अपना इंडिया का कल्चर है, उससे और भारत में जो वो प्रॉस्पेरिटी थी, माने भारत बहुत जैसे बोलते सोने की चिड़िया था, तो सोचिए आप कितना उसमें समृद्धता होगी, यानी बहुत पैसा होगा, बहुत समृद्ध होगा। समृद्ध का मतलब होता है बहुत पैसा होना, लोग आराम से जी सके, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। मैनी पीपल वर्ल्ड वाइड वर ईगर टू एंटर इन टू ट्रेड विथ अवर कंट्री एंड अर्न वेल्थ। बहुत से देशों के लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इंडिया आएँ, भारत के साथ बिजनेस करें और भारत से बहुत सारा पैसा, जो वेल्थ का मतलब है पैसा, प्रॉपर्टी, अर्न करें। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। नाउ अर्लियर द मर्चेंट्स फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज केम टू इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट बाय लैंड रूट, सिंस कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज क्वैंकर्ड बाय टर्क मुस्लिम फॉर पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। बहुत सारे मर्चेंट का मतलब होता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन, जैसे टाटा बिरला अंबानी है, तो वो बहुत सारे मर्चेंट हमारे में आए। और वो कहाँ से आए? नॉर्थ वेस्ट से। और किस रूट से आए? लैंड रूट से, यानी जमीन रूट से आए। जो जैसे बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, तो उसमें एक जमीन रेल रोड जो होता है उसको बोलते हैं लैंड रूट। ओके, सिंस कॉन्स्टिट्यूपल वॉज कॉन्कर्ड बाय टर्क एंड मुस्लिम। कौन सी जो जातियाँ आई सबसे पहले? टर्क के मुस्लिम्स आए। और किस पर्पज से आए? बिजनेस करने के पर्पज से आए इंडिया में। फॉर ईयर्स द अरब ट्रेडर्स अंडरटुक ट्रेड थ्रू लैंड रूट्स। कुछ अरब ट्रेडर्स जो है, अरब से कुछ लोग बिजनेस करने यहाँ आए। किस रूट से आए? लैंड रूट से आए। बट एज सिचुएशन चेंज, थोड़ी सिचुएशन चेंज हुई, देन ट्रेड थ्रू लैंड रूट स्टॉप। जो लैंड रूट से जो बिजनेस हो रहा था वो बंद हो गया। आया समझ में? वो स्टॉप हो गया। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर इंडियन कॉमोडिटीज लाइक सिल्क, कॉटन क्लोथ, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, स्पाइसेस एक्सेट्रा। भारत के चीज़ों की बाहर के देशों में बहुत डिमांड थी, उसमें थे सिल्क, कॉटन के कपड़े, मुस्लिन, ब्लैक पेपर, और ये सारे बहुत डिमांड थी, स्पाइसेस, ब्लैक पेपर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्सेट्रा इंक्रीज इन यूरोपियन कंट्रीज। ये सारी चीज़ों की जो डिमांड है वो कहाँ इंक्रीज हो रही थी? यूरोपियन कंट्रीज, जो यूके है, जर्मनी है, स्पेन, वहाँ पे हो रही थी। ये सारे जो है यूरोपियन कंट्रीज हैं। टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सी रूट टू इंडिया। अब हमारे देश को ढूंढने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग ने सर्च किया, यूरोपियन कंट्रीज़ के लोगों ने सर्च किया कि अगर जो लैंड रूट है अगर स्टॉप हो गया है,
तो हम जो जहाज के थ्रू, पानी के जहाज के थ्रू जो आया जाता है उसको सी रूट बोलते हैं, वो ढूंढते हैं। चलो आया समझ में, आगे बढ़ते हैं। और ये अपनी मदर इंडिया का पिक है, आप देख सकते हैं अपने बुक में भी, ये सी रूट का मैप है, आप देख सकते हैं यहाँ डॉटेड लाइन जो बताई हुई है, वहाँ से हमारे भारत देश में लोग किस तरह से आए, ये कालीकट को चीन, यहाँ पे जो फर्स्ट जो बिजनेस करने आए थे लोग, वो यहाँ पहले सबसे पहले लैंड किया था। ये वाटरवेज है, सी एंड लैंड रूट, ये जो डॉट है यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, और ये जो वाइट डॉट है न्यूली डिस्कवर्ड सी रूट, जो ये न्यूली डिस्कवर्ड सी रूट है, ये वाइट डॉट आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ें, ये कुछ थिंक है वो हमको नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते। सब्सिक्वेंटली सम एडवेंचरस सेलर्स ऑफ यूरोप एंड अदर कंट्रीज स्टार्टेड द सर्च ऑफ सी रूट टू कम टू इंडिया। बहुत सारे यूरोपियन जो सेलर्स थे, यानी जो घूमने घामने वाले लोग होते हैं ना, उसको सेलर्स बोलते हैं, ट्रैवलर्स, वो उन्होंने क्या किया, सी रूट से स्टार्ट किया कि हम इंडिया कैसे जाएं। आया समझ में? तो सबसे फर्स्ट जो आ रहा है वो है क्रिस्टोफर कोलंबस। ये पर्सन जो था उसने सबसे पहले स्टार्ट किया भारत को ढूंढने के लिए। कोलंबस एंड इटालियन एक्सप्लोरर, कोलंबस कहाँ के थे, इटालियन थे। देन वॉज वन ऑफ द ब्रेव सेलर्स हु वेंचर्ड आउट टू फाइंड सी रूट टू इंडिया। ये सबसे बहादुर जो है ट्रैवलर थे, उन्होंने चलो बोला कि भाई चलो सी रूट से इंडिया को हम ढूंढते हैं। आया समझ में? ही थॉट दैट वन कैन गो टू ईस्ट वाया वेस्ट। उन्होंने सोचा कि ईस्ट जाना हो तो वेस्ट से होके जाना पड़ेगा। Why did he believe so? उसने ऐसा क्यों सोचा, उसको क्यों विश्वास था ये सब? Think about it. Okay. Now Columbus started his journey to India and accidentally reached to America. कोलंबस ने जर्नी तो भारत को ढूंढने के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन वो एक्सीडेंटली अचानक से कहाँ पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। एज लॉन्ग एज ही लाइव्ड ही वॉज अंडर द मिसकंसेप्शन दैट ही हैड डिस्कवर्ड सी रूट टू इंडिया। वो इस गलतफहमी में रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग में रहा कि उसने इंडिया को डिस्कवर ढूंढ लिया है। आया समझ? डिस्कवर का मतलब है ढूंढ लिया है। आगे बढ़ते हैं। हेंस इवन टूडे द नेटिव्स ऑफ अमेरिका आर कॉल्ड रेड इंडियंस। आज भी जो वहाँ के लोग जो रहते हैं अमेरिका में, उनको क्या बोला जाता है, जिनके इंडियन जो है अमेरिका में रहते हैं, उनको रेड इंडियन बोला जाता है। जैसे आपने प्लेयर्स देखे होंगे वेस्ट इंडीज के, वो थोड़े थोड़े इंडियंस जैसे भी लगते हैं कभी कभार। नाउ द आइसलैंड ग्रुप ऑफ कैरेबियन इज नोन एज अ वेस्ट इंडीज। जो आइसलैंड जो है ग्रुप ऑफ से आइसलैंड है, उसको बोलते हैं उसको वैसे कैरेबियन बोलते हैं, लेकिन जब सारे ग्रुप में होते हैं तो उसको वेस्ट इंडीज बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वास्को द गामा। वास्को द गामा ए नेटिव ऑफ पोर्टुगल डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया। वास्को द गामा ने पहली बार, ये पोर्टुगल के थे, उन्होंने सी रूट इंडिया का सर्च किया, डिस्कवर किया। ही एनसर्कल्ड द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका केप ऑफ गुड होप से होते हुए एंड रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट ऑन 22 मई 1498 आफ्टर क्रॉसिंग द इंडियन ओशियन। वो इंडियन ओशियन को क्रॉस करते हुए कालीकट पहुँचे, पोर्ट पे पहुँचे, वहाँ कालीकट के पोर्ट पे पहुँचे। कब पहुँचे? 22 मई 1498 को। द देन रूलिंग किंग ऑफ कालीकट जोमोरिन गेव परमिशन द पोर्टुगीज टू ट्रेड। जब उस समय जो कालीकट के जो किंग थे, रूलिंग किंग थे, उन्होंने वास्को द गामा जो पोर्टुगीज थे उनको परमिशन दी कि वहाँ पे आके बिजनेस करें। आगे बढ़ते हैं। वास्को द गामा इन द कोर्ट यार्ड ऑफ जोमोरिन। द पोर्टुगीज एस्टेब्लिश ए फोर्ट इन कालीकट फॉर ट्रेड इन 1500 CE। जो पोर्टुगीज थे उन्होंने कालीकट में एक ट्रेड का एक फोर्ट स्थापित किया। फोर्ट का मतलब ऐसे किला होता है। कौन से ईयर में? 1500 CE। सी का मतलब कॉमन एरा भी होता है, क्रिश्चियन एरा भी होता है। दे फोर्टिफाइड इट एंड अपॉइंटेड ए कमांडर इन चीफ नेमली अल्बुकर्क। उन्होंने वहाँ पे एक
एक किला बनाया और उसमें जो कमांडर इन चीफ एक अपॉइंट किया उसको रखा, जिसका नाम था अल्बुकर्क, टू सेफ गार्ड द फोर्ट। किसके लिए रखा उन्होंने अल्बुकर्क को? भाई किले की देखरेख के लिए, उसके वॉचमैन जैसे होता है ना, उस तरह से रखा। मूविंग नॉर्थवर्ड्स अल्बुकर्क कॉन्कर्ड गोवा इन 1506 CE। आगे बढ़ते हुए, नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए अल्बुकर्क ने गोवा को भी जीत लिया। कौन से ईयर में? 1506 CE में। आगे बढ़ते हैं। विद इन ए स्पन ऑफ 100 ईयर्स द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ओवर मैंगलोर, कोचिन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइसलैंड ऑफ लंका। 100 साल के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर पोर्टुगीज ने क्या किया? पूरा कंट्रोल ले लिया। कहाँ का? मैंगलोर का, कोचिन का, गोवा का, दीव का एंड मुंबई और आइसलैंड ऑफ लंका, जो अभी श्रीलंका है। एंड ऑफ पोर्टुगीज रूल इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। जब 17th सेंचुरी चालू हुई, स्टार्ट हुई, द पोर्टुगीज एक्सपांडेड देयर ट्रेड टू बंगाल। उन्होंने 17th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई तो उन्होंने अपना ट्रेड कहाँ एक्सपांड किया? एक्सपांड करना मतलब फैलाना अपने ट्रेड को, बिजनेस को, कहाँ पे? बंगाल में। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल्ड इंडिया फ्रॉम दिल्ली। इस समय जो मुगल एम्परर शाहजहाँ थे वो इंडिया पे राज कर रहे थे, कहाँ से? दिल्ली से। द सूबेदार ऑफ बंगाल कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ पोर्टुगीज। जो बंगाल के सूबेदार थे उन्होंने शाहजहाँ को कंप्लेन की कि पोर्टुगीज जो है अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे हैं, उसकी कंप्लेन की। दस द फोर्ट ऑफ हुगली वॉज डेमोलिस्ड। जो हुगली का किला था उसको डेमोलिश कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। एंड द शिप्स वर बर्न्ड एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर। जो ये राजा थे शाहजहाँ, उनके ऑर्डर्स पे उस हुगली के जो वहाँ शिप खड़े थे उन सबको जला दिया गया। इन दिस वे द पोर्टुगीज रूल केम टू एंड। इस तरह पोर्टुगीज का जो रूल का जो है अंत आया, ख़त्म हुआ, फिनिश हुआ। एंड द एक्सेप्शन ऑफ टेरेटरीज ऑफ दीव, दमन, गोवा। और दीव, दमन, गोवा पे भी पोर्टुगीज का कंट्रोल हट गया। आगे बढ़ूँ? समझ में तो आ रहा है ना? आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द डच। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ अराइवल ऑफ पोर्टुगीज एट द एंड ऑफ 16th सेंचुरी, द डच ऑफ हॉलैंड नाउ द नेदरलैंड्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। 100 साल के अराइवल के बाद पोर्टुगीज का जब 16th सेंचुरी एंड हो रही थी, तब उनका जो कंट्रोल है वो पूरा ख़त्म हो गया। और उसके बाद डच जो हॉलैंड से आए थे, अभी उसको नेदरलैंड्स भी बोलते हैं, हॉलैंड से आए थे, हॉलैंड भी अभी बोलते हैं, डच और हॉलैंड और नेदरलैंड सब सेम है, ओके, केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। वो लोग भी यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट्स एट पुलिकेट एंड मद्रास, नाउ चेन्नई। उन्होंने सबसे पहले कहाँ पे फोर्ट्स बनाए? पुलिकेट एंड मद्रास। आया समझ में? फोर्ट्स का मतलब वैसे होता है किला, जो आप लाल किला देखते हैं ना वो, ओके। नाउ दे ऑल्सो एस्टैब्लिश ए ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। उन्होंने आगरा में भी अपना एक बिजनेस सेंटर बनाया। कौन से ईयर में? 1663 में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। उस समय ब्रिटिशर्स भी इंडिया आए। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। उस समय जो डच थे हॉलैंड से जो आए थे नेदरलैंड से, वो ब्रिटिश की कंपटीशन में टिक नहीं सके, खड़े नहीं रह सके, तो उनका भी बिजनेस फिनिश हो गया। ना आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट भारत में क्या था वो देखते हैं। ब्रिटिशर्स किसको बोलते हैं? जो ब्रिटेन से आते हैं। और ब्रिटेन जो है वो यूके है, यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड भी उसको आज की डेट में बोलते हैं। इट इज़ सेम एक्चुअली, ओके। नाउ ड्यूरिंग द रीन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE द ब्रिटिश एस्टेब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। जब क्वीन एलिजाबेथ इंग्लैंड की रानी थी, कब? 1600 में, तब ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी बनाई भारत में, जो उसका नाम रखा, भारत में एक कंपनी बनाई
उसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी. दिस कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड इन इंडिया. ये कंपनी उन बिजनेस बड़े बड़े बिजनेसमैन से बिलोंग करती थी जो जिनको भारत में काम करने का बिजनेस करने का वेल्थ बढ़ाने का वेल्थ का मतलब अपनी खुद की प्रॉपर्टी बढ़ाने का इंडिया में बहुत इंटरेस्ट था. आया समझ में? आगे बढ़ूँ. द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE. जो फर्स्ट शिप जो भारत में आई वो कहाँ आई? पोर्ट ऑफ सूरत में आई. कैप्टन डब्ल्यू हॉकिंस द कैप्टन ऑफ द शिप. जो हॉकिंस थे, डब्ल्यू हॉकिंस, वो शिप के कैप्टन थे. वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट फुट इन इंडिया. वो पहले ऐसे ब्रिटिशर थे जिन्होंने भारत की ज़मीन पे कदम रखा. ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड. वो जहांगीर से भी मिले, उन्होंने उससे बिजनेस की परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने उसको परमिशन नहीं दिया. देयर आफ्टर सर थॉमस ब्रो अराइव्ड इन इंडिया हु एक्वायर्ड द परमिशन टू इस्टेब्लिश ए ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत. उसके बाद ये जो हॉकिंस आए थे, उसके बाद सर थॉमस रो आए, उन्होंने भारत में कदम रखा और उन्होंने जाके जहांगीर से फिर परमिशन मांगी और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस सेंटर स्टार्ट किया. कहाँ पे? सूरत में. लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां. दिल्ली जो था किसके कंट्रोल में था? शाहजहां के कंट्रोल में था. आगे बढ़ते हैं. शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिशर टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल. शाहजहां ने परमिशन दी कि जो ब्रिटिशर्स ट्रेड करना चाहते हैं भारत में वो कहाँ कर सकते हैं? बंगाल में कर सकते हैं. इसके बाद आ रहा है द फ्रेंच. फ्रेंच भी भारत में आए थे, फ्रांसीसी इसको बोलते हैं. द फ्रेंच एस्टेब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE. फ्रेंच ने भी अपनी द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई. कौन से ईयर में? 1664 CE में. दे एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम एंड पौंडीचेरी, जो आज की डेट में पौंडीचेरी कहलाता है. उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ बनाई? फ्रेंच लोगों ने इन तीन शहरों में बनाई, सूरत, मछलीपट्टनम और पौंडीचेरी. पुंडुचेरी पहले बोलते थे. ओके. नाउ द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स. जो ये जोसेफ फ्रांसिस्को थे वो फ्रेंच कंपनियों के हेड थे जो सूरत में उन्होंने बनाई थी. हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपैंड द यूरोपियन रूल इन इंडिया. उन्होंने क्या चाहा कि यूरोपियन रूल जो है, जो यूरोप से लोग जो लोग आ रहे हैं उनका रूल भारत में एक्सपांड किया जाए, यानी बढ़ाया जाए. आया समझ में? दस द फ्रेंच एंड ब्रिटिश स्टूड इन कॉम्पिटिशन अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन कंपनी. ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच है आमने सामने कॉम्पिटिशन में आ गए. और वो कॉम्पिटिशन किस बात का था कि कौन स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनी है यूरोपियन, वो कॉम्पिटिशन लग गया दोनों में. नाउ देयर वर इननंबरेबल डिस्प्यूट्स एंड बैटल्स एंड फाइनली द ब्रिटिश इमर्ज एज द विनर्स. बहुत सारे दोनों जो यूरोपियन कंट्रीज से जो लोग आए थे, फ्रेंच और ब्रिटिश, उन दोनों के बीच में बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, तनाव हुए, जिसे बोलते हैं ना झगड़े हुए, बैटल्स, युद्ध हुए, और फाइनली जो है ब्रिटिशर्स जीत गए. हाउएवर द फ्रेंच रिटेन देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ पुंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर. फिर भी हारने के बाद भी फ्रेंच का जो बिजनेस कंट्रोल था वो कहाँ कहाँ था? पुंडीचेरी, माहे एंड चंद्रनगर में. आगे बढ़ते हैं. ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल. अब ब्रिटिश का जो बिजनेस था, ट्रेड था, व्यापार था, वो बंगाल में था. देख लेते हैं. द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली. सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने अपना बिजनेस कहाँ स्टार्ट किया? हुगली नदी के किनारे. बैंक्स का मतलब होता है किनारा. आगे बढ़ते हैं. एंड एस्टेब्लिश फोर्ट्स इन द ईयर 1651 CE. उन्होंने कुछ फोर्ट्स बनाए, किले बनाए. कौन से ईयर में?
1651 CE में बनाए. द फोर्ट्स वर गैरिजन फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री. जो फोर्ट इसलिए बनाए गए पूरा घेराव करके फैक्ट्रियों का, कि फैक्ट्रियों की सुरक्षा की जाए, रक्षा की जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए फैक्ट्रियों को. एंड गॉट परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्परर औरंगजेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट्स. ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने का बंगाल में परमिशन तो मिल गया था, लेकिन परमिशन किसने दिया? मुगल एम्परर औरंगजेब ने. लेकिन कैसे परमिशन दिया? कि वो जो भी कुछ भी कमाएंगे उसका कोई टैक्स वो सरकार को, मुगल एम्परर को देंगे नहीं. आया समझ में? टैक्स जो अपन आपके मम्मी पापा भी टैक्स भरते होंगे ना, तो मुगल एम्परर ने उनको टैक्स फ्री कर दिया, ये परमिशन दे दी कि चलो फैक्ट्रियों में माल बनाओ, बेचो और कमाओ, हम कोई टैक्स नहीं लेंगे. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे एक पिक देखा, शिप्स ऑफ ब्रिटिश एंड देयर पोर्ट्स. ये कुछ ब्रिटिशर्स के शिप्स खड़ी है पोर्ट्स पे. आगे बढ़ते हैं. एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 एंड 1857 CE. अब ये मैप बता रहा है कि जो 1757 में जो ब्रिटिश का रूल था, ये ब्लू कलर जो है ब्रिटिश रूल है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं. लेकिन 1857 में कितना होगा, ये आप ब्लू कलर का जितना भी देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिटिश रूल बॉक्स में, तो ये पूरा जो है ब्लू कलर ब्रिटिश रूल है. आप सोचिए इतना पूरा उन्होंने कवर कर लिया था. आया समझ में? बाय दिस टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन अ रेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी. इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाहती थी? कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए, मोर एंड मोर मनी. एज पर द ऑर्डर पास्ड इन बंगाल, ओनली द कंपनी अवेल्ड द बेनिफिट ऑफ टैक्स फ्री ट्रेडिंग. क्योंकि वो इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कमा रही थी कि बंगाल में ये एक ही ऐसी कंपनी थी जिसको ऑर्डर पास किया गया था कि ये एक कंपनी बिना टैक्स के बिजनेस कर सकती है, बिना टैक्स पे किए बिजनेस कर सकती है. हाउ एवर मैनी ऑफिसर्स हु वर इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड डिड नॉट पे द टैक्सेस एज वेल. बहुत सारे कुछ ऑफिसर्स भी थे, वो भी इस प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व थे, लेकिन वो जो मुगल एम्परर के राज जो कर रहे थे दिल्ली में, उनको कोई भी वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे. As a result, the income generated from tax collection in Bengal reduced, which in turn was opposed by the Nawab of Bengal, Murshid Kuli Khan. जो मुर्शिद कुली खान थे नवाब ऑफ बंगाल, उन्होंने इस चीज़ का अपोज किया. अपोज क्यों किया? क्योंकि जो भी टैक्स कलेक्शन से इनकम जनरेट हो रही थी वो कम हो गई थी, रिड्यूस हो गई थी, इसलिए उन्होंने बहुत इसका विरोध किया. और इसको परमिशन किसने दे रखी थी? मुगल एम्परर जो थे शाहजहां, उन्होंने दे रखी थी. आगे बढ़ते हैं. दिस डिस्प्यूट कैप्ट ऑन रिकरिंग इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अली वर्दी खान. ये जो टैक्स कलेक्शन जो थी वो कम होती गई होती गई. कब तक होती गई? जब जो नवाब जो थे अली वर्दी खान, तब तक ये कम होती गई. आफ्टर अली वर्दी खान हिज सन सिराजुद्दौला टुक चार्ज. अली वर्दी खान के बाद उनके बेटे सिराजुद्दौला जो थे उन्होंने बंगाल का राज संभाला. एंड ही गॉट इन्वॉल्व इन टू ए मेजर बैटल विथ ब्रिटिश. उन्होंने ब्रिटिशर से बहुत बड़ा युद्ध किया, लेकिन युद्ध का क्या नतीजा आया वो देखते हैं आगे. नाउ बैटल ऑफ प्लासी. अब बैटल ऑफ प्लासी क्या था? प्लासी का युद्ध जिसे हम बोलते हैं. सिराजुद्दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन द ईयर 1656. सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब बने. कौन से ईयर में? 1756 में. ही हैड एन ओवरवेलमिंग इन्फ्लुएंस ओवर द ब्रिटिशर्स. उनकी जो इन्फ्लुएंस थी ब्रिटिशर्स पे बहुत ज़्यादा ही थी. इन्फ्लुएंस मतलब उनका प्रभाव जिसे बोलते हैं वो ज़्यादा था. द ब्रिटिश हेल्प द कॉम्पिटिटर्स ऑफ सिराजुद्दौला बाय कंस्पायरिंग अगेंस्ट हिम सो दैट ही वुड नॉट रिमेन ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सिराजुद्दौला के जो कॉम्पिटिटर्स थे उनको उनके खिलाफ उनको भड़काया, उनको उनके खिलाफ खड़ा किया, भड़काया, ताकि जो सिराजुद्दौला है वो बंगाल के
बंगाल पे राज ना कर सके, बंगाल पे राज ना कर सके। देयर वर फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विद ब्रिटिश मर्चेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ टैक्स। सिराजुद्दौला से जो ब्रिटिशर्स के जो बिजनेसमैन थे उनके साथ उनके बहुत झगड़े हुआ करते थे। क्यों हुआ करते थे? क्योंकि वो टैक्स पे बंगाल के राजा को नहीं देते थे। व्हेन द ब्रिटिश मर्चेंट फेल टू पे टैक्स विच वर एप्लीकेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेन मर्चेंट्स द सिचुएशन केम टू ए बॉयल। क्योंकि टैक्स पे करना जो था ब्रिटिश एज वेल एज इंडियन मर्चेंट्स जो थे फॉरेन एंड मर्चेंट दोनों का एक समान था, तो सिराजुद्दौला का इस वजह से उससे ब्रिटिशर से झगड़ा होता रहता था मर्चेंट से। सिराजुद्दौला का ब्रिटिश मर्चेंट से इस बारे में झगड़ा होता रहता था। नाउ ही ऑर्डर दैट द ब्रिटिश शुड नॉट फोर्टिफाई द फैक्ट्री पे द टैक्सेस एज पर द रूल्स। उन्होंने ब्रिटिश फैक्ट्रियों को बोला कि इस तरह से ये नहीं चलेगा, आपको टैक्स पे तो करना ही पड़ेगा जो सबके लिए रूल लागू होता ही है, एंड ट्रेड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी आपका बिजनेस है वो बंगाल के रूल्स एंड रेगुलेशन जो नवाब चलाएंगे उसी से ही चलेगा। आया समझ में? दिस प्रोवोकेशन वॉज इनफ फॉर सिराज टू ऑप्ट वॉर। यही एक वजह थी, उकसाया इस चीज ने कि सिराजुद्दौला ने सोचा कि अब वॉर ब्रिटिशर से की जाए। एंड ही सक्सीडेड इन एक्सपेलिंग द ब्रिटिश फ्रॉम कलकत्ता। उसने आखिर में ब्रिटिशर्स को कलकत्ता से भगा दिया, वॉर करके भगा दिया। द ब्रिटिश काउंटर अटैक अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। जो ब्रिटिशर का जो युद्ध था वो किसके अंडर था? लीडर के अंडर था। क्लाइव ब्राइब्ड मीर जाफर द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला विथ प्रॉमिस टू कॉन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल टू हिम। ये ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने गेम खेला, उन्होंने क्या किया, जो कमांडर इन चीफ सिराजुद्दौला का था उसको प्रॉमिस किया कि अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें बंगाल का जो राजा है कॉन्फर द थ्रोन ऑफ बंगाल, हम आपको बंगाल का राजा बना देंगे। एंड कन्विंस हिम टू ज्वाइन देयर साइड। वो इस बात में सक्सेसफुल रहे कि उन्होंने मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लिया, उसकी साइड करवा लिया। विथ हिज हेल्प रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड एंड मर्डर्ड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने फिर से सिराजुद्दौला से युद्ध किया, उनको हराया, डिफीट का मतलब है हराया, और उनका मर्डर कर दिया इन द बैटल ऑफ प्लासी। कहाँ किया उन्होंने? बैटल ऑफ प्लासी में। दिस वॉज द फर्स्ट वॉर फॉट बाय द कंपनी इन इंडिया विच मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये जो वॉर था ये पहला ऐसा साइन था, जो ये वॉर लड़ी गई ऐसा साइन था कि फर्स्ट टाइम जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जो ब्रिटिश रूल है भारत में स्टार्ट किया, बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अपना रूल स्टार्ट किया इस वॉर से, बैटल ऑफ प्लासी से। दस दिस वॉर इज कंसिडर्ड टू बी द टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो पॉइंट था वॉर का, ये जो वॉर थी एक तरह से कंसिडर की गई कि ये जो वॉर है वो भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, भारत की हिस्ट्री के लिए, इंडिया की हिस्ट्री के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये थिंग्स टू नो है वो हमको नहीं करना है, डू भी नहीं करना है। नाउ बैटल ऑफ बक्सर, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो क्या है देख लेते हैं। एज प्रोमिस्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो सिराजुद्दौला को मार के युद्ध जीत गई तो उन्होंने क्या किया, अपने प्रॉमिस के हिसाब से मीर जाफर को, उन्होंने मीर जाफर को प्रॉमिस किया था कि हम आपको नवाब ऑफ बंगाल बनाएंगे, तो उन्होंने बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव ऑल्सो वेंट बैक टू इंग्लैंड। जो रॉबर्ट क्लाइव जो भारत आए थे वो भी इंग्लैंड वापस चले गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम मीर जाफर बिकेम होस्टाइल टूवर्ड्स द ब्रिटिश। अब इस समय क्या हुआ, थोड़ा टाइम बीता और उसके बाद मीर जाफर जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गया, उसका विरोध करने लगा, अपोज करने लगा। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्लेस हिम विथ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। अब कंपनी क्या चाहती थी, मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बनाया जाए। क्यों?
मीर जाफर के खिलाफ हो गए थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने ये एक गेम खेली। मीर कासिम वॉज एन एफिशिएंट, डिसिप्लिन एंड क्लेवर रूलर। जो मीर कासिम थे वो बहुत सक्षम थे, डिसिप्लिन थे, बहुत शिष्टतापूर्ण काम करते थे, क्लेवर रूलर थे, बहुत होशियार रूलर थे राज करने वाले। द प्रॉब्लम अरोज बिटवीन नवाब एंड द कंपनी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ये प्रॉब्लम क्यों आई दोनों के बीच में, नवाब ऑफ बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में? क्योंकि ब्रिटिशर जो है वो नवाब ऑफ बंगाल को टैक्स पे नहीं करते थे, इसलिए ये प्रॉब्लम आई। विच अल्टीमेटली ब्रॉट बोथ द फोर्सेस फेस टू फेस विथ ईच अदर। इस वजह से क्या हुआ, दोनों जो आर्मीज है आमने सामने आ गई। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1763 मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी बट ही एस्केप्ड। मीर कासिम ने भी सर्स के साथ रूप युद्ध किया एंड कंपनी ने उसको भी भगा दिया, एस्केप मतलब उसको भी भगा दिया। ही रीऑर्गनाइज हिज आर्मी अलॉन्ग विद द फोर्सेज ऑफ नवाब ऑफ ओर सिराजुद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई आर्मी बनाई और बहुत बड़ी फोर्स बनाई। किसके साथ, नवाब ऑफ ओध सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी वो भी ले ली एंड मुगल एम्परर शाह आलम टू की भी आर्मी उन्होंने साथ में ले ली। किसने, ब्रिटिशर्स ने। देयर कंबाइंड फोर्सेस मेड द कंपनी फोर्सेस एट बक्सर इन 1764 में उनकी सारी जो तीन आर्मी साथ हो चुकी थी और वो बक्सर में मीर कासिम के सामने युद्ध लड़ी। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन द वॉर। जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने ये युद्ध जीत लिया। एंड ऑल द सडन बंगाल, अवध, लखनऊ, जो अवध था वो लखनऊ है अभी, एंड मुगल एम्पायर वॉज देयर कंट्रोल। ये सारे जो हैं बंगाल, अवध और मुगल एम्पायर, वो सारे किसके अंडर में आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गए। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट टू इंडिया टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। रॉबर्ट क्लाइव को फिर से इंडिया भेजा गया कि ये सिचुएशन को, इस परिस्थिति को वो संभाले, इस सिचुएशन को संभाले। दैट्स हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी, ए ट्रेडिंग कंपनी, इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से ये जो ब्रिटिशर की ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने बनाई थी वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर बन गया भारत के देश में, भारत के सब कॉन्टिनेंट में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे सोशल साइंस चैप्टर 1 अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया कंप्लीट हुआ। ये फुल चैप्टर का वीडियो था। होप के ये सारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना एंड वो जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।